भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के वैक्सीनेशन को पूरी दुनिया ने सराहा। राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी गई झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट। राज्य सरकार से प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भाजयुमो ने किया प्रदर्शन। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 108 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 27 नए मरीज मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने सहित केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से लाखों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि हाल के चुनावों में पार्टी के वोटों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवाददाताओं को बताया कि श्री नड्डा ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े देश कोविड संकट के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रभावी भूमिका की सराहना कर रहे हैं। श्री प्रधान ने बताया कि पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअली बैठक में भाग ले रहे हैं। टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई, विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था, उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी, लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। इस बीच पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हाल ही में आयोजित COP26, भारत की विदेश नीति, कोविड टीकाकरण, लॉकडाउन के दौरान जनता के लिए उठाए गए कदम और किसानों के कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद स्थानीय निकाय के लिए हुए चुनाव में लोगों ने भाग लेकर यह जता दिया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए तैयार हैं। नेशन का हुआ है उसको बात करते हुए हम ये भी याद रख रहे हैं कि हमारे ही देश में विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह उठाया कि कैसे होगा, 40 साल लगेगा, ये मोदी का वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, ऐसे करके आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिला करके साइंटिफिक और मेथोडिकल तरीके से वो बात को विस्तार से राजनीतिक प्रस्ताव में डिस्कस हुआ। इससे पहले पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक आज सुबह शुरू हुई। इसमें कार्यकारिणी के 342 सदस्य भाग ले रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। बैठक में कई अन्य केंद्रीय मंत्री और कई मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में पार्टी सदस्य राष्ट्रीय मुद्दों और अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में
विचार विमर्श कर रहे हैं। इधर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाउ ठाकरे परिसर से जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि कोविड दिशा निर्देशों को देखते हुए बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। यह रिपोर्ट आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी। यह प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। श्री मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे और वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। झीरम घाटी की घटना 25 मई 2013 को हुई थी। इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था। आपको बता दें कि बस्तर के झीरम घाटी में माओवादियों ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक नंदकुमार पटेल के काफिले पर हमला किया था, जिसमें नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई लोग शहीद हो गए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। केंद्र सरकार ने दोनों ईंधनों पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इसके चलते छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पेट्रोल के दाम 102 रुपये हो गए हैं, तो वहीं डीजल की कीमत घटकर 94 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोलियम ईंधनों के दाम कम होने पर प्रदेश की जनता ने इसका स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने से खपत में बढ़ोतरी होगी और मुद्रास्फीति भी कम रहेगी, साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोगों ने राज्य सरकार से भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कमी करने की मांग की है। इस्पात नगरी भिलाई में जनमानस में ने केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। महंगाई के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि महंगाई कम होगी और इससे जो आम जनता है, जिस हिसाब से जो रेट बढ़ रहा था पेट्रोल डीजल की वजह से जो महंगाई बढ़ रही थी, वो महंगाई कम होगी। शासन का एक बहुत अच्छा ये प्रयास है और इससे जनता भी काफ़ी खुश है। जो अभी केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, निश्चित रूप से आम जन को उसका लाभ ज़रूर मिलेगा और हम भी राज्य सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो भी इसमें थोड़ा सा छूट दे, कमी दे और जिससे लोगों को उसका लाभ मिले और महंगाई में भी थोड़ा सा और काबू मिले। जी, ये बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र गवर्नमेंट का और मैं चाहूँगा कि स्टेट को भी अपने जो टैक्सेस है वो कम करने चाहिए, सो दैट आम जनता को थोड़ा और रिलीफ मिले। इससे क्या फ़ायदा दिखेगा दोनों सरकार? इससे बेसिकली फ़ायदा तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम होगा, जो माल भाड़ा जो गाड़ी है उसका जो पेट्रोलिंग होता है वो कम होगा, तो चीज़ें सस्ती होंगी। गौरतलब है कि रायपुर में पेट्रोल 102 रुपये 71 पैसे और डीजल 97 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर पर खरीदा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश के पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू और जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता के नेतृत्व में पेट्रोल पंप के सामने वैट की पोटली के साथ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार भी वैट में कमी करे, जिससे जनता को और ज्यादा राहत मिल सके। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भार के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार ने वैट के रूप में पेट्रोल और डीजल में लगा के रखा है, उसको कटौती करने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में आज पेट्रोल पंप के सामने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ साथ आज रायपुर में इसका प्रदर्शन हम सब मिलकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली के राहत के रूप में एक तोहफा पूरे देशवासियों को दिया, 5 और 10 रुपये कम करके एक
कटौती किया और दीपावली के अवसर पर पूरे देश की जनता को एक तोहफा दिया। कहीं ना कहीं हमारी यह मांग है छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस की सरकार से कि ये जो 25% और 1 रुपया जो वैट यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ले रही है, कहीं ना कहीं उसे कम करे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत प्रदान करे। इसलिए सांकेतिक रूप में आज यह प्रदर्शन पेट्रोल पंप के सामने हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 108 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 1,08,18,00,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 3,37,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.26% है। कल प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि कोरबा और जशपुर में 5-5 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर से कल 2-2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 10,06,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 9,92,316 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 259 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का राजनांदगांव में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आई के गोहिल शामिल हुए। मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा ने बैंक का उद्घाटन करने के बाद परिसर का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आई के गोहिल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। खास करके तो जो महिला के समूह हैं, तो उन्हीं समूह से हम अपनी बैंक सखी जो कि हमारे बैंक के सारे कार्य को अच्छे से निभा पाती हैं, तो उन्हीं समूह से हम उनको ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं, ताकि वो जिस गांव से हों, जिस क्षेत्र से हैं, उससे अच्छे से जुड़े रहें, और क्योंकि वो लोकल हैं तो उनका रिलेशनशिप बेहतर होता है, उनकी समझ बेहतर होती है, तो बैंक के लिए भी ये फ़ायदा है और जिन लोगों को ये सेवाएँ पहुँचाते हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। मुख्य महाप्रबंधक मिहिर नारायण पी मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बैंक भवन के जीर्णोद्धार से यहां काम करने वाले बैंक कर्मियों को अनुकूल वातावरण मिलेगा, वहीं ग्राहकों को बैंकिंग कार्य के लिए भी सुविधा मिलेगी। जो आज के डेट से ये इनॉग्रेट हुआ है और अच्छा प्रमाइसेस इधर बना है, इसके कारण से हमारे यहाँ के स्टाफ जो है हमारे कस्टमर्स का काम अच्छी तरह से निभा पाएंगे। यह ज़्यादा स्पेसस है, इधर ऑफिसर्स हम ज़्यादा रख सकते हैं, और ये एरिया का जितना हमारे ब्रांचेस है राजनांदगांव रीजन क्षेत्र कार्यालय के, उसके लिए ये अच्छा है। इधर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को तीसरी किश्त में मिली राशि के आहरण में दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी SDM को बैंक में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर लगातार बैंक का दौरा कर व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजनांदगांव के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की 26 शाखाओं के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को तीसरी किश्त की राशि का वितरण किया गया है। अधिकांश किसान राशि के आहरण के लिए ATM कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। कोरबा में आज राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। CSEB फुटबॉल मैदान में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में 5 संभाग के 460 बालक और 460 बालिका प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज से 10 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में टेनिस बॉल, क्रिकेट के साथ ही किक बॉक्सिंग और थ्रो बॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर जहां खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया, वहीं स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में आयोजित इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को बेहतर खेल प्रदर्शन की बधाई दी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी
920 खिलाड़ियों को स्वेच्छा अनुदान मद से 1100 रुपये प्रत्येक खिलाड़ियों को देने की घोषणा की। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई। शासन की योजना के मुताबिक हर वर्ष राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें 500 संभाग के खिलाड़ियों का आयोजन या कोरबा जिले में किया गया है। इसमें हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम ने काफी मेहनत के साथ इस व्यवस्था को किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पांचों ही संभाग के 920 खिलाड़ी आए हैं कोरबा, ये बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। गौरतलब है कि 4 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।